न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ देश की दिग्गज पेंट कंपनी कार्यक्रम में शामिल हो रही है इंडिगो पेंट्स। मार्च 2000 में कंपनी की हुई शुरुआत और डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट की देश की पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है और चार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 28 से ज्यादा राज्यों में कंपनी की प्रेजेंस है। मुलाकात करते हैं कंपनी के सीएमडी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत जालान साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दो दशकों से ज्यादा का आपका पेंट इंडस्ट्री का अनुभव है, शिकागो यूनिवर्सिटी से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स भी किया है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइंस में मास्टर्स किया है, अरे वाह, आईआईटी कानपुर से बीटेक भी, तो साइंस और साथ ही मैनेजमेंट दोनों का ग्रेट कॉम्बिनेशन है। जालान साहब का सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले जो आपके लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कच्चे तेल के दाम, जिसकी वजह से आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर नीचे होती है, थोड़ा नीचे आया कच्चा तेल, क्या कोई राहत है, क्या इससे कोई मार्जिन में सुधार होने का फायदा मिलेगा आपको, जरा एक बार कच्चे तेल के दामों से आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट को जोड़कर समझाएं सर। धन्यवाद अनिल जी। जी सर, कच्चे तेल के दाम में तो कुछ गिरावट जरूर हुई है जी, उससे कुछ तो फायदा पेंट इंडस्ट्री को होता है जी, बट हम लोग कई बार कह चुके हैं कि कच्चे तेल से और हम लोग के रॉ मटेरियल कॉस्ट से जितना लिंकेज समझा जाता है उतना ज्यादा लिंकेज है नहीं। और भी रॉ मटेरियल्स हैं जिनका हमारे रॉ मटेरियल कॉस्ट से कहीं ज्यादा लिंकेज रहता है, और खुशी की बात यह है कि उन सब चीजों में काफी गिरावट पिछले दो महीनों से देखी जा रही है। इसलिए इस पेंट इंडस्ट्री में जो एक कॉस्ट की जो प्रेशर थी वो अब धीरे धीरे घटती नजर आ रही है, उसमें राहत है। कच्चे तेल का कुछ योगदान है, ज्यादा योगदान बाकी रॉ मटेरियल्स पर। ओके, बिल्कुल परफेक्ट है, तो थोड़े दाम कम हुए तो राहत की संकेत तो है, लेकिन अभी तक तो सर डिमांड बड़ी स्ट्रांग है, नतीजे भी आपके बड़े जबरदस्त आ रहे हैं। ये बताएं सर, त्योहारों का सीजन और विशेषकर दिवाली के पहले तो घरों की रंगाई पुताई होती है, सो ये बताएं वहां से डिमांड कितनी बढ़ रही है और इस बार का फेस्टिव सीजन कैसे रहने वाला है? देखिए, अब की बार दिवाली थोड़ी जल्दी है और जब दिवाली जल्दी रहती है तो बहुत कुछ निर्भर करता है मानसून के पैटर्न पर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं आज 14 सितंबर हो गया बट अभी भी देश के प्राय सब भागों में वर्षा जारी है। अगर आप कुछ करें और इस वर्षा को रुकवा पाए तो हमारा फेस्टिव सीजन और अच्छा हो जाएगा। बट जब दिवाली जल्दी आती है तो फेस्टिव सीजन थोड़ा सा शॉर्टन हो जाता है, क्योंकि अधिकांशतर देखा गया है कि बरसात खत्म होते होते तक सितंबर का एंड आ जाता है और उसके बाद हमें 20-25 दिन ही मिलते हैं, बट उससे बहुत ज्यादा डिमांड से बहुत ज्यादा लिंकेज नहीं है। क्योंकि आप ये भी जानिए कि जहां तक दिवाली का तात्पर्य है, दिवाली का इफेक्ट पेंट के डिमांड पर लगभग हिंदुस्तान के 50% में ही होता है। आप साउथ इंडिया को अगर ले लें, आप अधिकांशतर बंगाल के हिस्से को ले लें या उड़ीसा को ले लें, तो वहां पर दिवाली का उतना ज्यादा महत्व नहीं है जितना कि हिंदी बोलने वाले राज्यों में है। तो ये जरूर है कि दिवाली से पेंट के डिमांड में उछाल आता है और वो उछाल दिख भी रहा है, आना शुरू हो गया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा, बट बहुत कुछ निर्भर करेगा बरसात के ऊपर में। ये तो सर सीधे सीधे जो कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल डिमांड आपके आती है और साथ ही जो बिल्डर्स की तरफ से आती है, एक तो रिटेल वाले कस्टमर्स खरीदते हैं, एक बिल्डर खरीदते हैं, तो बिल्डर और इंडस्ट्रियल वहां पर कैसी डिमांड है सर? देखिए, हम लोग बिल्डर्स को बहुत ज्यादा डायरेक्ट बेचते नहीं हैं, और आप जिन बिल्डर्स की बात करते हैं, जो बड़े बिल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जी, ये लगभग हिंदुस्तान के 10-15 शहरों तक ही सीमित है। बाकी जो हिंदुस्तान है वहां पर अधिकांशतर जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो इंडिपेंडेंट बंगलोज का ट्रेंड है, और वहां पर बड़े बिल्डर्स नहीं रहते हैं और वहां पर पेंट की जो खरीदारी होती है वो रिटेल सेगमेंट के द्वारा ही होती है। जहां तक बड़े शहरों का सवाल है, जहां बिल्डर्स हैं उनकी भी बहुत कुछ खरीदारी रिटेल सेगमेंट के द्वारा ही होती है। कुछ ही बहुत बड़े बिल्डर्स हैं जो कि डायरेक्टली कंपनियों से खरीदते हैं और उस सेगमेंट में हम लोग शामिल नहीं।
बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए इस बार मॉनसून सीजन थोड़ा सा चूंकि लंबा चल रहा है, दिवाली जल्दी आ रही है, तो थोड़ा फेस्टिव सीजन कम रहेगा। जालान साहब बहुत बहुत धन्यवाद इंडस्ट्री का आउटलुक देने के लिए और कंपनी के बारे में हमें बताने के लिए इस फेस्टिव सीजन की डिमांड को लेकर। हेमंत जालान साहब इंडिगो पेंट्स के CMD, आपको बताते हुए पेंट्स इंडस्ट्री के हालचाल के बारे में।